क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर आगामी 30 अप्रैल को बिहार के प्रत्येक विधानसभा के 100 स्थानों पर 100 लोगों के साथ सुना जाएगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने भाजपा नेताओं को आवश्यक टास्क सौंपा है। वहीं इस दौरान सुनील ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमेशा छात्रों, महिलाओं, युवाओं तथा देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया है। देश का और विश्व का लोकप्रिय नेतृत्व, इनका संदेश लोगों तक पहुंचे, ये कोशिश करने का हमारा प्रयास है और उसमें आप सब मीडिया के लोगों को भी, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी से लेकर हमारे मोबाइल के ऐप तक सभी में, माने मोदी जी एक सभा करें तो भी आप जाते हैं। खबर मोतिहारी से है जहां शराब तस्करों ने पुलिस के जवान को गोली मार दी, जिसके बाद एसपीओ का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाएगा। गया शहर में ईद पर्व को देखते हुए बिहार प्रगति मेला सर डिज्नीलैंड मेला का विधिवत उद्घाटन गया शहर के गया कॉलेज खेल परिसर में अनुकूल सिन्हा, अमन कुमार के साथ कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं इस अवसर राजेश कुमार और एलाइड इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक के साथ सुजीत कुमार के साथ कई लोग उपस्थित रहे। सबको आए, एंजॉय करें मेला को। गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है पूरे फैमिली के लिए। यहाँ शॉपिंग करने का चीज़, खाने पीने का चीज़ बहुत कुछ है। एंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ है, पूरे फैमिली आए, एंजॉय करें। फैमिली पैक भी है क्या, रियायत दिया जाएगा? ऐसा तो अभी कुछ, जिस तरह से लगता है पिछले 25 वर्षों से हमारे राजेश जी जो हैं इस मेले का आयोजन करते चले आ रहे हैं। इस मेले में विशेषकर टोरा टोरा, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस, टावर झूला, 3-in-1, मिकी माउस और भी कई झूले हैं, लेकिन खास करके इस बार विदेश के झूले का भी आनंद आप लोग ले सकेंगे। ये गया के शहरवासी लोग, डिज्नीलैंड का ओपनिंग हुआ और अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन के यहाँ के बारे में, तो देखिए हर किसी का बिजी लाइफ है और सबको एक मतलब हैंग आउट करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल चीज मिल जाता है। जैसे शॉपिंग कर सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते हैं, टोरा टोरा झूला। इस बार नया झूला रेंजर है, मारुति मौत का मौत कुआ है और टोरा टोरा है, ड्रैगन ट्रेन है और अनेक प्रकार के झूले हैं। हम गया शहर वासियों के कहेंगे कि पूरे फैमिली के साथ आइए।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां भसुरारी पंचायत अंतर्गत बैरिया गांव में मंगलवार को बिजली से शॉर्ट सर्किट से एक झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। इस दौरान आसपास के दो अन्य घर भी जलकर राख हो गए। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आग के लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, गैस चूल्हा, सिलाई मशीन, साइकिल सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। इस दौरान आग से एक गाय का बछड़ा, एक बकरी और उनकी पत्नी की झुलसने की खबर है। लक्ष्मी नारायण, एक का नाम है लक्ष्मी नारायण, उसका लक्ष्मी नारायण का लड़की का शादी था 27 मई का। आग लग गया, उसके बाद में उसका जितना शॉपिंग हुआ था, फर्नीचर का सामान और कपड़ा लाता सारा कुछ बनकर तैयार था, क्योंकि वो गरीब आदमी है, पहले से एक दूसरे से मांग उनका सब रेडी कर दिया था, पूरा आग जल कर राख हो गया। प्रशासन हम यही करते हैं कि प्रशासन से उसका मुआवजा का मांग करते हैं, कुछ उसको हेल्प मिले। काका क्षति बिलवा क्षति धान चाऊ कपड़ा लाता लड़की के शादी ठीक कोई लड़नियो, इस शादी में कुछ बर्तन किन लड़नियो, कपड़ा ये सब जर गई, सब खत्म हो गई, कुछ नहीं। माल एगो जर गई, एगो बकरी जर गई। का नाम पड़ी खबर भागलपुर से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चहेते बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल के रेस्टोरेंट बिग डैडी में अगले सुबह आग लग गई। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब लाखों रुपए का सामान जलकर राख बताया जा रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एसकेएमसीएच अस्पताल में एईएस चमकी बुखार के दो नए केस की पुष्टि के बाद आंकड़ा बढ़कर 11 हुआ। दरअसल ये आंकड़ा मंगलवार तक बताया गया है, जिसमें सीतामढ़ी जिला और मुजफ्फरपुर जिला के एक एक बच्चे में एईएस की पुष्टि के बाद से आंकड़ा 11 हो चुका है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर में एईएस चमकी बुखार का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चमकी प्रभावित क्षेत्र में विशेष नजर रखी जा रही है। इस मामले में नोडल अधिकारी ने जानकारी दी है। आज की तारीख में अभी फिलहाल कोई रिपोर्टेड नहीं है कि कोई केस संभावित एईएस का एसकेएमसीएच भर्ती है। लगातार जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसे में बड़ी संभावना जताई जा रही है कि मामले बढ़ सकते हैं, इसको लेकर विभाग का क्या संदेश? देखिए, इसके लिए तो धूप से एक तो मतलब कहावत है कि बचाव ही सबसे ज्यादा। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में हंगामा और महिला के स्वास्थ्यकर्मी के साथ बदसलूकी करने का एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया है। वहीं हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लोग में थे, ड्यूटी में थे सर, यहाँ तो देखे कि यहाँ पर हल्ला हो रहा था, तो ये निकल के उधर भागे, बस के तो वहाँ से पकड़, मैंने वहाँ गेट पर से हम लोग इनको पकड़ के लाए हैं, गेट पर से यहाँ पकड़ के इनको लाए हैं सर। उसके बाद यहाँ लोग मैडम लोग बोली कि गाली गलौज कर मैंने किए हैं, कि गाली गुली बोले हैं। मैनेजर साहब को हम लोग बोले, मैनेजर साहब को यहाँ बैठा के रखे हुए हैं। वो वाइटल हम लोग ले रहे थे मॉर्निंग में, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, इतने में वो आदमी आया, बहुत पिए हुए था। एक डीएम ऑफिस से, कलेक्ट्रेट से भी एक महिला हस्बैंड वाइफ आई थी दिखाने, हम लोग उन्हीं का वाइटल ले रहे थे। इतने में वो महिला भी बोली है और हम भी बोले कि इतना आप पी के आए हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, ले लेते हैं तो फिर आपका भी वाइटल लेंगे। इतने में वो ये जो स्टूडेंट हमारे साथ थी, वो उसको कुछ अब शब्द बोला, तो हम बोले आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपके घर में बहन बेटी नहीं है, सो थोड़ा सा आप आराम से खड़ा रहिए ना। इतने में वो लेडीज बोली, नहीं मैडम ये गाली दे रहा है। तो हम जब उठे हैं इधर से, तो वो चला गया उधर, जब तक हम वहाँ से गार्ड को बुलाए, गार्ड गया, क्या गिटर पिटर किया है हमको नहीं पता, गार्ड चला गया। उसके बाद वो बैठा हुआ था वहाँ से उठा आके, उसके बाद से यहाँ से पुर्जा हम लोग से खींचा है, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा। कराने आए तो ये ऐसा बात किए, हम कह रहे ठीक है बाद में आते हैं, इतना कस के चिल्लाई और कहे नहीं गए, तो दोबारा इन पर चिल्लाई, इन पर भी चिल्लाया है। आप कौन है? हाँ माने अरे आप पर काहे चिल्लाए हो, पुर्जा भी कटवाए होंगे, हाँ काहे चिल्लाए।
चिल्लाने का कोई कारण होगा ना? है आप पर चिल्लाई हुई, गुटखा खाए हुए थे इसके लिए। नालंदा जिले में इन दिनों अपराध चरम पर है। बता दें कि मानपुर थाना क्षेत्र के इलाके के सिंगथू गांव में छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दबंगों ने महादलित के घर पर चढ़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है और इस गोलीबारी की घटना में चाचा और भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सदर DSP शिवली नुमानी ने घटना की पूरी जानकारी ली है। हाँ, गोली गोली कितने लोग का लगा सर गोली? दो लोगों को। तो इसमें कुछ बरामद भी हुआ है? कुछ गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल जब्त हुआ है? ठिकाने दिए कि तुम्हारा बेटा छेड़खाने किया, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आया नहीं, फिर दूरी से फायरिंग किया उसके बाद अस्थिर हो गया। हम सब नुक गए घर में, फिर 10 मिनट के बाद जब अस्थिर हुआ तो हम सब निकल गए, उसके बाद गोली चलाने चालू कर दिया चारों पट्टी से। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। 5 साल में माननीय ने कराया कितना काम, क्या विकास से हुआ क्षेत्र का नाम, क्या बदहाल व्यवस्था से जनता है हलकान। आज शाम देखिए लखनऊ के रामलीला ग्राउंड वार्ड का हाल, रामजीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के व्यवहार गिरी पर्वत पर पिछले 2 दिनों से आग लगी है और आग को बुझाने में 200 ऑफ फायर फाइटर के अलावा 300 वन विभाग के कर्मी तथा स्थानीय मजदूरों और अधिकारियों को लगाया गया है। बता दें कि लू के थपेड़े के कारण आग बुझती है और फिर से लग जाती है, जिससे अधिकारियों को आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई हो रही है। आग का जायजा लेने फायर ब्रिगेड के DG शोभा अघोतर राजगीर पहुंची, जहां उन्होंने नालंदा DM शशांक सुबंकर से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके अलावा जिले के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें हम लोगों ने 140 फायरमैन को लगाए गए इसमें आग बुझाने में, और 2 कमांडेंट, वैशाली कमांडेंट और गया कमांडेंट को भी हमने भेज दिया था रात में। ASFO रात में आ गए थे हमारे, तो ये 4 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स इसको लीड कर रहे थे और ये सब बुझाया तो गया है सब। अब इसमें मेन कंसर्न यही है कि क्योंकि बहुत ये पॉइंट्स काफ़ी नज़दीक है जो आबादी की बस्तियां हैं जहां लोग बसे हुए हैं, जो लोकल हमारे लेबर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, नगर निगम सब मिल करके पहाड़ पर चढ़ करके 500 की संख्या में सब लोग चढ़े हैं और रात भर में लगभग आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। फायर की भी 36 गाड़ियां यहाँ पर भिन्न जिलों से आई हैं, गया से, नवादा से, शेखपुरा से, वैशाली से, पटना से, वो लोग भी फायर फाइटिंग कर रही हैं जहाँ आग नीचे आ गया, अब लगभग कंट्रोल में है। क्या लग रहा था भारी नुकसान की संभावना थी? नहीं, अभी तो जो आग लगी थी वो सूखी बुशेज में लगी थी, सूखे झाड़ियों में लगी थी।
सहरसा जिले के बैजनाथपुर पुलिस सेवा क्षेत्र के गमरिया जगह टोला वार्ड नंबर 10 में आपसी विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला समेत तीन महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो उसके बाद आनन फानन में घायल के परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वही इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। जो है मारपीट करते रहता है और हम लोग जो है थोड़ा सा हमारे पिताजी हम तो फील्ड में रहते हैं और पिताजी जो है कहीं घूमने के लिए सामने चला जाता है। क्या घटना हुई है कल? ये मारपीट की घटना हुई है। क्या हुआ? उसमें मारपीट में तीन हमारे मम्मी और हमारी पत्नी और हमारी सिस्टर जो है वो जख्मी है गंभीर रूप से, जिसको सदर अस्पताल भर्ती किया गया। कौन कौन मारपीट करने में था उसमें? बेचन यादव हैं हमारे चचेरा भाई, और सज्जन यादव उर्फ कारी यादव हमारे चचेरा भाई, शिंकू देवी हमारे भावो हैं, नेहरू यादव जो है वो हमारे अंकल हैं, और 10 लगभग आगे। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में दो बदमाशों को पिपरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देशी कट्टा और एक लोहे का फाइटर बरामद किया गया। वहीं इस मामले में डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश ने पिपरा थाना परिसर में पीसी के जरिए इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो कि वाहन चेकिंग को देख करके वो भाग रहा था, उसके बाद उसके पास जो है उसको चेक किया गया और उसका मोबाइल भी सर्च किया गया, तो मोबाइल में जो है कट्टा से फायर करते हुए एक वीडियो प्राप्त हुआ। उसमें वही जो है वही लड़का कट्टा से फायर कर रहा है। उसके बाद गहराई से उससे पूछताछ किया गया, पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि एक और दूसरा लड़का है जो जिसके पास वो अभी कट्टा है, तो वो कट्टा। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सिमराही बाजार स्थित सेंट एग्लो इंग्लिश स्कूल के छठा वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बेतिया से आए रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं सेंट एग्लो इंग्लिश के डायरेक्टर कुंदन पाठक ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये सारे दिया जाएगा और उसी के जो है हम लोग जो है सेटिस्फैक्शन में एक उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर शिक्षा के लिए आपके विद्यालय की तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से क्या चीज़ सुविधा दी जाती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए आप। इन क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम हमेशा से हमारा यही कोशिश रहा है कि हम बच्चे को औरों से हट के जो है बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर के 10 तक के क्लास चलती हैं, जिसमें क्लास 1 से हम मार्शल आर्ट कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं। सर्टिफिकेट को जो सर्टिफिकेट हमारे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, इस सर्टिफिकेट को हमारी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल मैम की तरफ से, वाइस प्रिंसिपल की तरफ से और मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र भंडारी जी की तरफ से उन बच्चों को दिया जाएगा और उन्हें पारितोषित के रूप में मेडल भी उन्हें दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सेंट एंग्लो इंग्लिश स्कूल में एक बार आवें, अपने नौनिहाल बच्चों को लावें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी टीचर्स टीम जो हमारे पीछे बैठी हुई है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। SKB Market.in, शॉपिंग सुकून के साथ।